हेलो दोस्तों, हम में से हर कोई प्रभावशाली बनना चाहता है। हम चाहते हैं कि लोग हमसे प्रभावित हों, हमारी बात माने, हमारा व्यवहार सबसे अच्छा हो, हमें हर कोई पसंद करे। अगर आप चाहते हैं कि आप भी शक्तिशाली बने और हर किसी को प्रभावित कर सफलता प्राप्त कर सके, तो ये वीडियो ज़रूर पूरा देखें। ये वीडियो हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड मेक फ्रेंड्स सीरीज का तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहले के दो वीडियोज अभी तक नहीं देखे हैं तो वो दोनों वीडियोज जरूर देखें। उन वीडियोज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो लॉ नंबर वन है, कभी किसी से बहस यानी आर्ग्यूमेंट ना करें। ईश्वर की बनाई गई इस दुनिया में बहस से एक ही तरीके से फायदा हो सकता है, और वो ये कि बहस यानी डिबेट से बचा जाए। बहस से उसी तरह से बचो जिस तरह से सांप या आप भूकंप से बचते हैं। दोस्तों, आप किसी से आर्ग्यूमेंट में नहीं जीत सकते, वो इसलिए क्योंकि अगर आप हार जाते हैं तो भी आपकी हार होती है, लेकिन अगर आप जीत भी जाते हैं तो भी आपकी ही हार होती है। कैसे? मान लीजिए आपने सामने वाले आदमी को गलत भी साबित कर दिया। अगर आपने ये भी साबित कर दिया कि उसके तर्क में कोई दम नहीं है और आपने उसकी हर बात की धज्जियां उड़ा दी, तो भी क्या होगा? निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसकी हालत क्या होगी? आपने उसे सबके सामने नीचा दिखाया है, आपने उसके गर्व को आहत किया है, वो आपकी जीत से चिढ़ जाएगा। और याद रखें, अपनी इच्छा से बिना जो बात मानता है वो अब भी उसी का विचार होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था, अगर आप बहस करते हैं और सामने वाले का विरोध करते हैं तो आप कई बार जीत सकते हैं, लेकिन ये जीत खोखली होगी, क्योंकि आपको उस आदमी से कभी सद्भाव हासिल नहीं होगा जिससे आपने बहस की है। तो आप खुद ही सोचें, आप क्या पसंद करेंगे, बहस में नाटकीय जीत या सामने वाले का सद्भाव हासिल करना? दोनों चीज़ें एक साथ हासिल होना बहुत मुश्किल है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, नफरत नफरत से नहीं बल्कि प्यार से खत्म होती है, और गलतफहमी भी बहस से नहीं बल्कि समझदारी, कूटनीति, सद्भावना, दूसरे के नज़रिए को समझने की इच्छा से खत्म होती है। बिट्स एंड पीसेस नामक पत्रिका में एक लेख छपा था, इसमें कुछ सुझाव दिए गए थे कि असहमति को बहस में तब्दील करने से किस तरह रोका जाए। इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर वन, असहमति का स्वागत करें। याद रखें, अगर दोनों ही पार्टनर हमेशा सहमत हो जाते हैं तो उनमें से एक की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई नया पहलू दिखाया जाता है जिसके बारे में आपने नहीं सोचा, तो एहसान माने कि उस तरफ आपका ध्यान दिलाया गया है। शायद ये असहमति एक अवसर हो जिससे आप गंभीर गलती करने से पहले ही उसे सुधार सकें। नंबर टू, अपने पहले रिएक्शन पर नजर रखें। जब भी हमारे सामने मुश्किल परिस्थितियाँ आती हैं तो हमारा पहला रिएक्शन सुरक्षात्मक होता है। सावधान रहें, ठंडे दिमाग से सोचें और अपने पहले रिएक्शन पर नज़र रखें। हो सकता है कि इस समय आप अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में ना होकर अपने सबसे बुरे रूप में हों। नंबर थ्री, अपने गुस्से पर काबू रखें। याद रखें, किसी व्यक्ति का आकार इस बात से नापा जा सकता है कि उसे किस बात पर गुस्सा आता है। नंबर फोर, पहले पूरी बात सुने। अपने विरोधियों को बोलने का मौका दें, उन्हें अपनी पूरी बात कह लेने दें, उनका विरोध ना करें, बहस ना करें, खुद का बचाव ना करें, इससे दीवार खड़ी होती है। इसके बजाय समझ के पुल बनाने का प्रयास करें, गलतफहमी की ऊंची दीवार खड़ी ना करें। नंबर फाइव, सहमति के क्षेत्र खोजें। जब आप अपने विरोधियों को पूरी तरह से सुन लें तो उन बिंदुओं से अपनी बात शुरू करें जिन पर आप अपने विरोधी से सहमत हों। नंबर सिक्स, ईमानदार रहें। उन बिंदुओं की तलाश करें जिसमें आप अपनी गलती मान सकते हैं, और आपकी गलती है तो उसके लिए माफी मांग लें, इससे आपके विरोधी भी ठंडे पड़ जाएंगे। नंबर सेवन, ये वादा करें कि आप अपने विरोधी के विचारों पर ध्यान से सोचेंगे। हो सकता है कि आपके विरोधी सही हों, आप उनके विचारों पर सोचने के लिए सहमत हो जाएं, बजाय इसके कि आप तेजी से आगे बढ़ जाएं और कोई ऐसी गलती ना कर दें जिससे आपके विरोधियों को बाद में ये कहने का मौका मिल जाए, हमने आपको समझाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। जब आप किसी परेशानी में हों और आपको किसी के सामने कोई बात रखनी है, तो पहले इन सवालों के जवाब खुद से पूछें, क्या ये हो सकता है कि मेरे विरोधी सही हों, आंशिक रूप से ही सही हों? क्या उनके नज़रिए या तर्क में सच्चाई है, दम है? क्या मैं वास्तव में समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं केवल अपनी कुंठा निकाल रहा हूं? क्या मेरी रिएक्शन की वजह से मेरे विरोधी मुझसे दूर जा रहे हैं या फिर वो मेरे करीब आ रहे हैं? मैं जो करने जा रहा हूँ, क्या उससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी? मैं जीतूंगा या हारूंगा? अगर मैं जीतता हूँ तो मुझे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? अगर मैं इस बारे में शांत रहूंगा तो क्या ये असहमति खत्म हो जाएगी?
क्या ये मुश्किल परिस्थिति किसी तरह मेरे लिए एक अवसर बन सकती है? दोस्तों, ओपरा स्टार जैन पियर्स ने अपने 50 साल के वैवाहिक जीवन की सफलता का राज बताते हुए कहा, मेरी पत्नी और मैंने बहुत पहले एक समझौता किया था और हम चाहे एक दूसरे से कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, हम इस समझौते को निभाते आए हैं। जब एक गुस्सा हो रहा है और वो चीख रहा हो तो दूसरा ठंडे दिमाग से उसकी बात सुनेगा, क्योंकि अगर दोनों ही लोग चीखने लगे तो बातचीत हो ही नहीं सकती और घर में शोरगुल और विवाद के अलावा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए याद रखें, बहस से एक ही फायदा हो सकता है और वो है इससे बचना। लॉ नंबर 2 है, दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं, ये कभी ना कहीं आप गलत हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट व्हाइट हाउस में थे तो उन्होंने स्वीकार किया कि अगर वो 75% मौकों पर सही हो सके तो वे बहुत अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर 20वीं सदी के महानतम व्यक्तियों में से एक का ये कहना है तो फिर आपकी और मेरी तो हस्ती ही क्या है। अगर आप 55% मौकों पर सही हो तो आप शेयर मार्केट में जाकर एक दिन में लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप 55% मौकों पर भी सही नहीं हैं तो फिर आपको क्या हक है कि आप दूसरों लोगों की गलतियां बताएं? शब्दों से ही नहीं बल्कि नज़रों से या आवाज़ के लहजे से या अपने हाव भाव से भी आप लोगों को बता सकते हैं कि वो गलत हैं, और अगर आप उनकी गलती बताते हैं तो क्या वे आपसे सहमत हो जाते हैं? कभी नहीं, इसलिए क्योंकि आपने उनकी बुद्धिमानी और आत्मसम्मान पर सीधे चोट की है। इससे क्या होगा कि वे पलटकर आप पर वार करना चाहेंगे, लेकिन इसकी वजह से वे अपनी सोच को कभी नहीं बदलेंगे। आप चाहे तो बड़े से बड़े तर्कों से भी उन पर हमला बोल दें तो भी वो अपने विचार नहीं बदलेंगे, क्योंकि अब आपने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। इस तरह से अपनी बात कभी शुरू ना करें, मैं आपके सामने अमुक बात सिद्ध करने जा रहा हूं। ये गलत शुरुआत है। दूसरे शब्दों में आप सामने वाले को ये बता रहे हैं, मैं आपसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं आपकी एक दो ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने विचार बदल देंगे। अच्छी से अच्छी परिस्थितियों में भी लोगों की सोच या उनकी विचारधारा को बदलना कठिन है, तो इसे और मुश्किल क्यों बनाया जाए? अपने आप को कमज़ोर क्यों बनाया जाए? अगर आप कुछ सिद्ध करने जा रहे हैं तो किसी को भी इसका पता ना चलने दें। इसे चतुराई से, कुशलता से, इस तरह से करें कि किसी को ये महसूस ना हो कि आप ऐसा कर रहे हैं। इस विचार को अलेक्जेंडर पोप ने संक्षेप में इस तरह से व्यक्त किया था, लोगों को कोई बात इस तरह से सिखानी चाहिए कि उन्हें ये पता ही ना चले कि उन्हें कुछ सिखाया जा रहा है, और नए विचारों को इस तरह बताया जाना चाहिए जैसे कि आपको पुराने विचार याद आ गए हों। गैलीलियो ने 300 से भी अधिक साल पहले ये कहा था, आप किसी आदमी को कुछ नहीं सिखा सकते, आप सिर्फ उसे अपने अंदर से सीखने में मदद कर सकते हैं। जैसा लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने अपने पुत्र से कहा था, संभव हो तो दूसरे लोगों से ज्यादा बुद्धिमान बनो, लेकिन ये बात उनको मत कहो। सुकरात ने भी इसे बार बार कहा था, मैं केवल एक ही बात जानता हूँ और वो ये कि मैं कुछ नहीं जानता। जब भी कोई व्यक्ति ऐसी बात कहे जो आपकी राय में गलत हो, चाहे आप अच्छी तरह जानती हो कि वो गलत है, तब भी क्या इस तरह कहना बेहतर नहीं रहेगा? आइए हम देखते हैं, मेरी राय आपसे भिन्न है लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कई बार गलत होता हूँ, और अगर गलती मेरी है तो मैं अपनी गलती सुधारना चाहूँगा। आइए हम तथ्यों का अवलोकन करें, मैं गलत हो सकता हूँ, आइए हम तथ्यों का अवलोकन करें। इस तरह के वाक्यों में जादू होता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपकी इस बात का बुरा नहीं मानेगा। अगर आप ये पहले ही मान लें कि आप गलत हो सकते हैं तो आप कभी मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। इससे झगड़े की संभावना ही खत्म हो जाएगी और इससे आपके विरोधी को भी प्रेरणा मिलेगी कि वो आप जितना खुला, निष्पक्ष और विशाल हृदय हो जाए। हो सकता है कि इसके बाद वो भी ये कहने पर विवश हो जाए कि वो भी गलत हो सकता है। और अगर आपको पूरा भरोसा है कि सामने वाला गलती पर है और आप उसे सीधे सीधे ही बता देते हैं तो क्या होता है? आइए एक उदाहरण देखें। मिस्टर एस अमेरिका में एक युवा वकील थे। एक बार वे यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण मुकदमे में बहस कर रहे थे। इस मुकदमे में बहुत सा पैसा तो दांव पर था ही, कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उलझा हुआ था। बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने उनसे पूछा, एडमायरल्टी लॉ में इस समय सीमा 6 साल होती है ना? वकील मिस्टर एस रुके, उन्होंने जज की तरफ एक पल के लिए देखा और फिर साफ शब्दों में ये कह दिया, योर ऑनर, एडमायरल्टी लॉ में कोई समय सीमा नहीं होती। पूरी कोर्ट में सन्नाटा छा गया। वकील ने बाद में बताया, कोर्ट रूम का तापमान 0 पर आ गया। मैं सही था, जज गलत था और मैंने उसकी गलती उसे बता दी थी, लेकिन क्या इससे उसका व्यवहार मेरे प्रति दोस्ताना हुआ? नहीं, मुझे अब भी भरोसा है कि वो मुकदमा मैं ही जीतता। मैंने इससे पहले इतनी अच्छी तरह बहस नहीं की थी, लेकिन मैं अपनी बात मनवाने में सफल नहीं हुआ। मैंने एक ज्ञानी और प्रसिद्ध जज को ये बताने की गुस्ताखी की थी कि वो गलत था। बहुत कम लोग तार्किक होते हैं, हम इससे ज्यादा लोग पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं।
हम में से अधिकांश से पहले से जमी हुई मान्यताएं होती हैं, ईर्ष्या, शंका, डर और अहंकार होता है, और ज़्यादातर लोग अपने विचार नहीं बदलना चाहते, चाहे सवाल उनकी हेयर स्टाइल का हो, धर्म का हो, विचारधारा का हो या उनके फेवरेट फिल्म स्टार का हो। इस पुस्तक के लेखक डेल कार्नेगी ने एक बार एक इंटीरियर डेकोरेटर से अपने घर के लिए नए पर्दों की सजावट कराई। जब बिल आया तो उन्हें जोर का झटका लगा। कुछ दिनों बाद उनकी एक दोस्त आई और उनके कमरे में लगे नए पर्दों को देखा। जब उसे कीमत का पता चला तो उसने कहा, अच्छा इतने महंगे, मुझे लगता है कि दुकानदार ने तुम्हें लूट लिया। क्या ये सच था? हाँ, उसने डेल कार्नेगी को सच्चाई बताई, लेकिन बहुत कम लोग ये स्वीकार कर सकते हैं कि वो इस तरह बेवकूफ बने हैं। इसलिए इंसान होने के नाते डेल कार्नेगी ने खुद का बचाव करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अच्छी क्वालिटी का सामान महंगा ही आता है और कलात्मक या सुंदर या अच्छा सामान फुटपाथ पर नहीं मिलता आदि। अगले दिन डेल कार्नेगी की एक और दोस्त आई और उसने पर्दों की दिल खोल कर तारीफ की। उसने उत्साह भरे स्वर में कहा, काश मैं भी अपने घर में इतने सुंदर पर्दे लगा पाती। तब डेल कार्नेगी की प्रतिक्रिया पूरी तरह अलग थी। उन्होंने कहा, सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मैंने इनमें कुछ ज़्यादा ही पैसे खर्च कर दिए हैं। इन्हें खरीद कर अब मैं पछता रहा हूँ। जब हम गलत होते हैं तो हम मन ही मन अपनी गलती मान सकते हैं। यही नहीं, अगर सामने वाला समझदारी और कूटनीति से काम ले तो हम उसके सामने भी अपनी गलती मान लेते हैं और अपने खुलेपन और उदारता पर गर्व कर सकते हैं। लेकिन तब नहीं जब दूसरा इस बात पर हमारा गिरेबान पकड़ ले। अगर आप लोगों के साथ अपने संबंध सुधारने के बारे में उत्तम सुझाव चाहते हों, अगर आप अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हों, तो आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा ज़रूर पढ़नी चाहिए। यह अमेरिकी साहित्य में अमर पुस्तक है और ये सबसे आकर्षक जीवनियों में से एक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन बताते हैं कि उन्होंने अपनी बहस करने की आदत पर कैसे काबू पाया और किस तरह उन्होंने अपने आप को अमेरिकी इतिहास के सर्वाधिक योग्य, सौम्य और कूटनीतिक व्यक्तियों में से एक बनाया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने प्रोग्राम मन की बात में बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा को पढ़ने को कहा था। अगर आप ये आत्मकथा पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर क्लिक करके आप ये बुक ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि अगर आप किसी व्यक्ति को सीधे सीधे ये बता दें कि वो गलत है तो इससे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि काफी नुकसान होने का अंदेशा रहता है। इस तरह आप सिर्फ उस व्यक्ति के स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं और अपने आप को बुरा बना लेते हैं। मार्टिन लूथर किंग से जब पूछा गया कि वे शांति के पक्षधर होने के बावजूद देश के सबसे बड़े अश्वेत ऑफिसर एयरफोर्स जनरल डैनियल जेपी जेम्स के प्रशंसक क्यों हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं लोगों को उनके सिद्धांतों के तराजू पर तोलता हूँ, अपने सिद्धांतों के तराजू पर नहीं। 2000 साल पहले ईसा मसीह ने कहा था, अपने विरोधी से तत्काल सहमत हो जाओ। ईसा मसीह के पैदा होने के 2200 साल पहले मिस्र के सम्राट अक्तोई ने अपने पुत्र को ये समझदारी पूर्ण सीख दी थी, चतुर बनो, इससे लोग तुम्हारी बात मानेंगे, तुम्हें बहुत फायदा होगा। दूसरे शब्दों में, अपने ग्राहक, अपनी पत्नी या अपने विरोधी से बहस ना करें, उन्हें ये ना बताएं कि वो गलत है, बस थोड़ी सी कूटनीति का प्रयोग करें। तो हमेशा याद रखें, दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं, ये कभी ना कहें आप गलत हैं। लॉ नंबर 3 है, अगर आपकी गलती है तो तत्काल और पूरी तरह अपनी गलती मान लें। अगर आपकी गलती पर कोई आपको डांटने वाला है तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम ऐसा होने से पहले ही खुद अपनी गलती मान लें, अपनी बुराई करने लगे बजाय इसके कि सामने वाला हमारी बुराई करे और हमें अपनी गलतियां बताएं। अपने बारे में उन सारी गलतियों का जिक्र करें जो अपने हिसाब से सामने वाला कहने वाला है या सोच रहा है, उसे बिना मौका दिए खुद ही ये काम कर दें। 100 में से 99 बार सामने वाला आपके प्रति उद्धार और क्षमापूर्ण दृष्टिकोण अपनाएगा और आपकी गलतियों को कम करके बताएगा। खुद की गलती मानना हिम्मत का काम है तो है ही, इसमें हमें संतुष्टि का एहसास भी होता है। इससे न सिर्फ हमारे भीतर का अपराध बोध और सुरक्षात्मक समाप्त होता है, बल्कि इससे अक्सर गलती के कारण उत्पन्न समस्या को सुलझाने में भी मदद मिलती है। कोई भी मूर्ख अपनी गलतियों के लिए बहाने बना सकता है और ज्यादातर मूर्ख ऐसा ही करते हैं, लेकिन अपनी गलतियां मान लेने से आप भीड़ से अलग हो जाते हैं और आपको इसमें खुशी और गर्व का अनुभव भी होता है। जब हम सही होते हैं तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम आहिस्ता से और कूटनीति से लोगों से अपनी बात मनवाने का प्रयास करें, और जब हम गलत हों तो हमें अपनी गलतियों को तत्काल और उत्साह से स्वीकार कर लेना चाहिए। इस तकनीक ने सिर्फ आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे, लेकिन यकीन कीजिए इससे आपको खुद का बचाव करने की तुलना में अधिक खुशी भी मिलेगी। पुरानी कहावत को याद कीजिए, लड़ने से आपको ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन हार मान लेने से आपकी उम्मीद से जो है ज़्यादा मिलता है। तो लॉ नंबर 3 याद रखें, अगर आपकी गलती है तो तत्काल और पूरी तरह से अपनी गलती मान लें।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। प्रभावशाली बनने के ये 3 लॉज हमने आपको बताए डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से। इस बुक में ऐसे और कई लॉज हैं, ये बुक बहुत अच्छी है, आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर क्लिक करके आप ये बुक ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ एफर्टलेस जीके के चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही काम के वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे।